क्या आप भी अपने WhatsApp में हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने WhatsApp में हिंदी में टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल प्रभा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ पर देखिए, आप अपनी हिंदी यहाँ पर टाइपिंग करेंगे, जहाँ पर कोई भी आपको एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर अपने WhatsApp में टाइपिंग कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने WhatsApp को यहाँ पर आप ओपन करेंगे, और जैसे आपका यहाँ पर WhatsApp ओपन होगा तो सिंपली यहाँ पर किसी भी चैट सेशन पर आपको ओपन लेना है, और यहां पर सिंपली आपको एक सेटिंग करनी है, तब यहां पर हिंदी में टाइपिंग कर पाएंगे। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहां देखिए ये मैसेज टाइप पे यहां पर आप क्लिक करेंगे, सो यहां पर देखिए आपको टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहां पर कुछ भी कैसे टाइप कर सकते हैं। एग्जांपल में यहां पर देख सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा है आप कैसे हो भाई, आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं, तो यहां पर जो कुछ भी जैसे आप लिखेंगे वो सब यहां पर देखिए इंग्लिश में ही टाइप होगा, और यहां पर हिंदी में टाइपिंग करने का कोई भी आपको देखिए एक डिफॉल्ट सिस्टम नहीं मिलता है, वो आपको खुद यहां पर बनाना पड़ता है। देखिए आपको कैसे करना है, और चाहे तो यहां पर आप कीबोर्ड के की पर यहां पर देखिए प्रेस करके रखेंगे स्पेस पर, तो आपको कोई भी यहां पर ऑप्शन भी नहीं मिलता है, और ना ही यहां कहीं भी लैंग्वेज का कोई ऑप्शन मिलता है। सिंपली आप अपने ही कीबोर्ड में एक बार यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, सिंपली आप यहां पर क्लिक करेंगे और आप यहां पर आ जाएंगे। या फिर इस तरीके से आपको अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में सिंपली मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। जैसे अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे सो फर्स्ट में यहां पर आएगा, और नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए आएंगे, और यहां पर नीचे देखिए एक एडिशनल सेटिंग आपको मिलेगी। सो यहां पर एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कीबोर्ड इनपुट मेटल का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद देखिए हम नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए जीबोर्ड मल्टीपल टाइपिंग यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे बिल्कुल सेम जगह पर आप आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा तो सेटिंग के जरिए आएंगे, वरना आप सिंपली अपने यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट उसी जगह पर आ जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेटिंग लिखा हुआ है यहाँ पर लैंग्वेज, तो आपके यहाँ पर जो लैंग्वेज ऐड है वो डिफॉल्ट सभी की इंग्लिश होती है, यूके या यूएस होगी, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और आप कोई भी लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐड कीवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको तमाम यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाएंगी, भाषाएं मिल जाएंगी, यहाँ तक कि किसी देश की या कोई आपकी खुद की राज्य की भाषा है वो सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से बहुत सारी भाषाएं होती, नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे, सभी अब भाषाओं में से अपनी भाषा को चूज कर लेना है जो आपको करना है, हिंदी के अलावा और भी कोई ऐड कर सकते हैं आप, तो वो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए मैं हिंदी को ऐड करना चाहता हूँ, और यहाँ पर लिखा है हिंदी जो है वो इंडिया, और इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हिंदी अगर है, या फिर आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपको ढूंढने को नहीं मिला तो सिंपली आप यहाँ पर देखिए सर्च आइकन है, देन सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे हिंदी, तो आपको यहाँ पर हिंदी लिखना है और यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है फिजी हिंदी, हिंदी हिंदी इंडिया, तो इंडिया आपको हिंदी इंडिया ऐड कर लेना है, और इसके बाद देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नीचे डन का, और अब यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज है वो देखिए यहाँ पर ऐड हो चुकी है, अब चलिए यहाँ से बैक आते हैं, और आपको क्या करना है यहाँ से बैक आने के बाद आगे चेक करिए, इसके बाद यहाँ पर मैसेज टाइपिंग में यहाँ पर आप चैट टाइप पर क्लिक करेंगे, और अब यहाँ पर देखिए आपको अगर हिंदी ऐड करनी है सो यहाँ पर देखिए ये जहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है ये देखिए स्पेस वाली, यहाँ पर इस पर प्रेस करके रखेंगे और देखिए इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। अब आपको हिंदी में कुछ भी लिखना हो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए आपका कीबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे वो देखिए हिंदी में यहाँ पर ऊपर लिख कर आता रहेगा, जैसे कि हेलो तो हेलो, आपको लिखना है भाई तो आप यहाँ पर लिख सकते हो भाई, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर टाइप हो जाएगा, आपको नीचे इंग्लिश में ही लिखना होगा और ऊपर यहाँ पर लिखता जाएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूं कैसे, तो यहां पर देखिए लिखा कैसे, स्पेस इसमें मैंने नहीं दिया सॉरी, इसके लिए यहां पर देखिए इसे मैं कट कर देता हूं और इसके बाद स्पेस देता हूं, अब लिखता हूं कैसे कैसे, तो ये देखिए लिख गया कैसे, हो लिखना है आपको एच ओ दाबेंगे वो यहाँ पर हो लिख जाएगा। इस तरीके से अगर आप बोल के भी लिखना चाहते हो तो इस मैग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हिंदी में जो कुछ भी बोलेंगे वो हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप होता जाएगा, और इस तरीके से आप यहाँ पर भेज सकते हैं। आपको फिर से यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करना है, सिंपली इस पर टाइप करके रखेंगे की वाली प्रेस पे, जो स्पेस करते हैं जिससे यानी जगह खाली करते हैं, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो जो अब यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ देखिए की नीचे इस पर, तो ये अब इंग्लिश हो गई, और जहाँ से क्लिक करके हिंदी सेट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश लिख के आ गए ये। तो इस तरीके से आप भी अपने WhatsApp के अंदर हिंदी में टाइपिंग और इंग्लिश दोनों एक साथ कर सकते हैं, आप जो अपने अकॉर्डिंग चाहे वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं।